मित्रों नमस्कार। इस समय मैं गोंडा जनपद में हूँ। गोंडा जनपद का यह वजीरगंज ब्लॉक है और वजीरगंज का ये नएपुर ग्राम पंचायत है, जिसको पूर्व में ये ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में कौन सी ग्राम पंचायत है? रायपुर है। तो इस नएपुर से एक नई ग्राम पंचायत बन चुकी है, जिसको अब आज के दौर में रायपुर के नाम से जानते हैं। और यहीं के किसान हैं शिवकुमार मौर्या जी। शिवकुमार मौर्या जी गोंडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी एक खास पहचान रखते हैं अपनी मिश्रित खेती के लिए। इनके यहाँ आएंगे, थोड़ा सा खेती का टुकड़ा है वो बताएंगे कितना है, लेकिन उस खेती के टुकड़े में आप आएंगे तो आपको फसलों की एक अलग ही तारतम्यता को देखने की मिलेगी। लगभग 100 तरह की फसलें देखने को मिलेंगी और आप सोच रहे होंगे कि छोटे से टुकड़े में 100 तरह की फसलें उगाते होंगे, क्या फ़ायदा ले पाते होंगे। तो हम सीधे जुड़ते हैं शिवकुमार मौर्या जी से और जानते हैं कि किस तरह की खेती करते हैं और कैसे ये 100 तरह की फसलों को एक साथ उगा करके लाभ कमा पा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। अपने यहाँ जो आप ये खड़े हैं, ये परवल की खेती है जी जी, और ये किसान साथियों के लिए बड़ा ही मुनाफे की खेती है। हम इसको करते हैं और आप देख रहे होंगे इधर जो है इसके फल ये लगे हैं जी जी, और ये इसकी बहुत अच्छा साइनिंग है। और दूसरा जो है ये मार्केट में अगर कोई फलत जो यूनिवर्सिटी का बिक रहा है उससे ये 20 रुपये अधिक बिकता है, समझिए। अच्छा, कौन सी वैरायटी है ये? है देसी का है। हाँ। गोल वैरायटी है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जो देखती है धारीदार और लंबा धारीदार होती है जी जी, थोड़ा गोल है, खाने में बहुत टेस्टी है। हाँ। और तोड़ के रख दीजिए तो दो चार दिन सूखती नहीं, चुचुकती नहीं है। अच्छा, और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, जो इसको खा लिए हैं फिर उसको रिपीट होते हैं, मतलब हमारा समझिए कि घर से ही बिक जाता है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो ये परवल की खेती की है आपने मचान पर कर रखी है जी। तो बहुत सारे किसान खेत पर फैलाव करके भी फसल लेते हैं, तो क्या जो किसान भाई जमीन पर फसल लेना चाह रहे हैं इस वैरायटी को लिया जा सकता है या मचान पर ही लेना उचित होगा? हाँ, इसको ज़मीन पर ले सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर घास पात कम होते हैं जी जी। हमारे ख्याल बलुई ज़मीन में ज़्यादा ये सफल होगी जी जी। वहाँ मतलब खरपतवार कम उगते हैं जी जी। और दोमट मिट्टी में, हमारी मिट्टी दोमट वाली है। हाँ। तो इसमें घास और ये सब ज़्यादा उग जाते हैं तो उसमें कीड़े फतंगे बहुत आ जाते हैं जी जी। तो उससे सुरक्षा के लिए जो है और कीट रोगों से बचाव के लिए जब हम इसको मचान विधि से इसको किए हैं और इस पर जो फल आप देख रहे होंगे एकदम शाइनिंग है, कोई दाग धब्बा नहीं है और तोड़ने में भी हल्के जो है आप तोड़ सकते हैं आसानी से। इससे हमारी समय और श्रम की बचत होती है और बहुत आसानी से इसको हम तोड़ सकते हैं। आवक की बात कर रहे थे, जैसे आप सीजन में बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो आप सीजन में आती हैं, उनका रेट 100 रुपये 150 रुपये प्रति केजी मिलता है जी। तो किसान भाई अगर इस किस्म की खेती करते हैं तो इसकी फलत कितने महीनों तक मिलती है? इसकी फलत अगर जैसा मैं कर रहा हूँ मचान विद से जी जी, ये 8 महीने तो है ही है। एक फसल हमारे यहाँ वो साल भर की चलती है जी जी। मेरे यहाँ 3 वैरायटी की परवल है जी जी। और तीनों देसी है। हाँ। एक गोल वाली है, एक थोड़ा हल्का उसमें रेसा है, एक थोड़ा लंबी है, और तीनों की अच्छी डिमांड है। अच्छा, हाँ। और दूसरा इसका जो है हम कलम भी बनाते हैं। अच्छा, पौधे भी तैयार करते हैं। तो जो किसान साथी लगाना चाहें उनके लिए हम अक्टूबर में बनवा देते हैं, वो हमसे संपर्क करें, ऑर्डर पहले दे दें। हाँ। तो हम बनवा देते हैं, वो ले जाएं लगाएं, बढ़िया कलम तैयार रहती है जी जी। और पौधा मरता नहीं है। और अच्छा, पाली बैग में बनाते हैं जी जी। दूसरी अच्छी बात यह है कि जैसे जो गांव के आदमी शहर में बस गए हैं तो अगर वो सोचते हैं कि हम भी परवल खाना चाहें ताज़ा, तो छत पर बागवानी कॉन्सेप्ट आया है, तो अपने यहाँ 2 पौधा किसी गमले में लगा लें, थोड़ा उसको ऐसे मचान टाइप का हल्का सा बना लें और उसी पर लस्ता रहेगा तो उनको ताज़ा सब्जी जो है खाने को मिलेगी जी जी। और अच्छी वैरायटी की उनको मिल जाएगी। अच्छा। तो साल भर उनको रोपाई का उचित समय क्या होता है? उचित समय इसका जो है अक्टूबर नवंबर होता है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में जो कोई पौधा लगा सकते हैं। और फिर दूसरा जो है क्या नाम है, फरवरी और मार्च के आसपास, फरवरी लास्ट और मार्च का शुरुआत, थोड़ा गर्म ऋतु आ जाए उधर लगा सकते हैं, और इधर सितंबर में और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई किसान आपसे चाहता है कि जो 3 किस्में आपके पास हैं जी, उसको आपसे खरीदना चाहता है, क्रय करना चाहते हैं, तो कौन सा संपर्क सूत्र है जिस पर आपको फ़ोन करके इन किस्मों को खरीद सकता है? हमारा नंबर है 9554-90-2715।
वो इस पर संपर्क करे तो पौधे जो है उपलब्ध हो जाए। अच्छा, इस पर व्हाट्सएप या कॉल? हाँ, व्हाट्सएप नंबर है ये। जी जी। और उस पर कितने बजे से कितने बजे तक फोन करें, क्योंकि बहुत किसान भाई होते हैं जो रात के 12 बजे फोन करते हैं, तो टाइमिंग क्या उचित होगा? वो समय शाम के 8 बजे फोन करें, 8 से 9 के बीच में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। हाँ, उसमें वार्ता हो पाएगी और जो है उनको पूरा हम इसकी खेती कैसे होती है, और हम मचान बिरसे किए हैं, आप देख रहे होंगे इसमें हमने पिलर भी लगाया है। जी जी। तो पहले हम बांस लगाते थे। हाँ। तो बांस लगाने में क्या हुआ, साल भर में वो सड़ जाता था। हाँ। और जब ये लगा दिए हैं तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारे ख्याल 15-20 साल चलेगा। तो नीचे निराई गुड़ाई कैसे होती है? हाँ, नीचे निराई गुड़ाई, इसको जो है घास छील लिया जाता है, और क्या नाम है, आदमियों द्वारा इसको गुड़ाई हो जाती है। बहुत सारी छोटी मशीनें टिलर टाइप की आती हैं। जी, हाँ हाँ आती हैं, लेकिन हम हमारे पास अभी टिलर अभी मैनुअल रूप से करते हैं। मैनुअल रूप से हम करते हैं। अच्छा, और परवल के लिए खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए, जैसे किसी खास तरह का कीट या बीमारी इसमें लगता हो, खाद उर्वरक की बात नहीं हो, तो क्या क्या इसमें करना पड़ता है? इसके लिए हम क्या नाम है, केंचुआ पाले हुए हैं। जी जी। और उसका हम खाद उनसे बनाते हैं, बर्मी खाद बनाते हैं, और उसको हम हर पौधे में लगाते हैं। हमारे पास पशु हैं, उनका गोबर है, तो उसी से हम बनाते हैं, और बहुत ही इसमें लगता है, और ये जैविक प्राकृतिक हो जाता है, और इसका टेस्ट है जो खाए हैं वो रिपीट होते हैं। हाँ, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी जी। और दूसरा हम दसपाणी अर्क भी बनाते हैं। जी जी। जो सुभाष पालेकर जी का हमने प्रशिक्षण लिया था प्राकृतिक खेती पर 2017 में, तो उसमें 10 पौधों का ऐसा जो मतलब पत्तियां जड़ सारा ले आते हैं, जैसे धतूर, मदार, गिलोय, नीम, सारा जो है उसको अपने चारा मशीन बाल के और ये ड्रम में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, गोमूत्र है, गोबर है, और ये सारा चीज सड़ता है 1 महीने में, फिर वो बन जाता है। बागवानी वाली भी बहुत सारी फसलें लगा रखी हैं, देख रहा हूँ आपने चकोतरा लगा रखा है। जी। चकोतरा पर की जो आमतौर पर डिमांड है मार्केट में बहुत कम रहती है, या कह लिया जाए कि बहुत कम खरीदार इसके मिलते हैं, और आपके यहाँ देख रहा हूँ कई इसके पौधे तैयार हैं जिसमें फल भी बहुत बम्पर फलाया हुआ है। अरे बहुत। तो कैसे इसका मार्केटिंग कर पाते हैं? ये भैया खाने में खट्टा मीठा होता है। जी जी। विटामिन सी। जी जी। तो इसको छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। तो हमारे घर से बिक जाता है। दूसरा जो ये छठ पर्व होता है ना, जी जी, माताएं बहनें जो छठ मनाती हैं, तो उसमें इसकी बड़ी डिमांड होती है पूजा में। हाँ। तो ये पूरा पेड़ बिक जाता है, समझिए। अच्छा, मतलब वो पूरा पेड़ खरीद लेते हैं। हाँ। और मतलब बिकने की कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा हमारी मिट्टी में इतना सफल है कि क्या बताएं। अच्छा, आप सामने देख ही रहे हैं। जी, अगर मान लिया जाए एक फल की हम बात करें, तो एक फल औसत कितने में बिक जाता है? ये कम से कम 20 रुपये में जाता है। अच्छा, तो ऐसे तो हजारों फल आपके। हाँ हाँ जी जी। बागवानी में ही मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो हॉट क्लाइमेट है, गर्म जलवायु क्षेत्र है, उसमें आसानी से उगने वाले सेब का भी पौधा लगा रखा है। जी। और बहुत इसकी बड़ी चर्चा है कि गर्म क्षेत्रों में सेब नहीं उगता है, लोग कहते हैं, लेकिन देख पा रहा हूँ कि सेब भी आपके यहाँ फल फूल रहा है। तो इस साल की फलत की क्या स्थिति रही? इस साल हमने 22 पौधे लगाए हैं। जी जी। और 2 शिफ्ट में लगाए हैं, पहले साल 11 लगाए थे, फिर 11। हाँ। लगाए, तो जो 11 पौधे पहले साल लगाए थे उसमें 7 पौधों में फल आया था। हाँ। और एक एक पौधों में अभी 3-4 किलो आए थे अभी थोड़ा। जी जी। और अच्छा, पहली बार। हाँ। और दूसरी बात, इसमें जब फरवरी में फूल आते हैं तो गुच्छों में आते हैं। हाँ। तो हमको थोड़ा इसका प्रबंधन पता नहीं था, कौन सी दवा डालनी है क्या है। हाँ। तो हमने जहाँ से पौधा मंगाया था, तो आए थे मेरे यहाँ, तो बताया कि इसका जो है जब फूल आ जाए तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। हाँ। उसकी दवा पहले रख लीजिए, स्प्रे कर दिए तो पूरा सब रुक जाएगा। तो ये हमको जानकारी मिली और बढ़िया मतलब फलाताई और स्वाद भी अच्छा है। अच्छा, इसको देखने दूर दूर के लोग आते भी हैं। अच्छा, सेब की 2-3 किस्में हैं, कौन सी किस्म आपने रोप रखी है? हमारे पास 3 वेराइटी है, हरिमन 99 है, अन्ना है, डॉर्सेट है। अच्छा, तीनों वैरायटियां हैं और तीनों की फलत अच्छी है। तीनों की अच्छी है। अच्छा, बागवानी फसलों की ही बात करें, चूंकि अभी हम बागवानी की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी और बागवानी के पौधे आपने रोप रखे हैं? जैसे आंवला देख पा रहा हूँ, क्या क्या और चीजें हैं अपने यहाँ? ये पिताजी के टाइम से कई वेरायटियों की जैव विविधता का उन्होंने लगाने का प्रयास किया, और आप यहाँ पर आंवला है, नारियल है, सेब है, और क्या नाम है, मीठा अमरक है, खट्टा अमरक है, इलायची है, लौंग है। जी जी। और मतलब पूरा एक बायोडायवर्सिटी जो का उन्होंने हब बना दिया। जी जी जी।
और जिसको देखने के लिए दूर दूर के लोग आते हैं। और आए दिन यहाँ हमारे जिला प्रशासन गोंडा का बड़ा सहयोग रहता है। और जिस क्या नाम है, आपने इसके पहले वीडियो बनाया था, उसको देख के बहुत किसान आए। अच्छा, तो अब पेपर वाले हमारे साथी आते रहते हैं, तो हम जो अपना अनुभव होता है उनको साझा भी करते हैं, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, मतलब बीज से बुआई तक का हमको अनुभव हो गया है। अच्छा, और अब जो अपना अनुभव है वो अपना हम किसानों को साझा करते हैं, दूसरी बात समूह की महिलाओं को बताते हैं, और जो हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे हैं, विजिटर्स हैं, उनको भी दिखाते हैं, और हम बुलाते भी हैं जी जी। कि आप हमारे यहाँ आइए, इतने वैरायटी के पेड़ लगे हैं, वनस्पतियों की दुनिया में आपका स्वागत है, देखिए और प्रकृति में आनंद लीजिए, और आप भी पेड़ पौधा लगाइए और वातावरण को शुद्ध करिए। अच्छा, एक बात और करूँ कि जैसे किसान भाई जो व्यावसायिक फसलें हैं, कॉमर्शियल फसलें हैं, उसकी खेती तो करते हैं, लेकिन औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसान बहुत कम रह गए हैं, या जहाँ जिनका कंपनियों से टाई अप या एग्रीमेंट हो पाता है वही खेती करते हैं। आपके यहाँ आने के बाद सैकड़ों तरह की औषधीय पौधे दिखते हैं, जैसे जमीन पर अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत नीले फूलों वाला ये पौधा दिख पा रहा है, ये कौन सा पौधा है और किस काम में आता है और इसका उपयोग आप कैसे करते हैं? ये भैया ब्राह्मी है। मैं चाहूंगा मेरे साथी से इसको दिखा भी दें किस तरीके से फैला है जी। क्या है ये बता दें? ये ब्राह्मी का पौधा है जी जी। और इसको मैं सीमैप से 4 फरवरी 2023 को लाया था जी, एक जी। पौधा मैं लाया था हाँ। और उससे इतने सारे हो गए, और हमने इसकी कटाई भी किया है जी जी। तो इसको हम लाए हैं ड्रायर मशीन हाँ। हमको PMFME से हमने लोन लिया है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से, तो उसी इलेक्ट्रिक ड्रायर में इसको हम काट के और क्या नाम है धुलाई करके जी जी। फिर चारा मशीन में बालते हैं, बालने के बाद में इसको ड्रायर में सुखाते हैं, सुखाने के बाद में इसको पिसाई होते हैं जी जी। फिर उसको पैक करके जो है पाउडर बना के जो है बिक्री होती है। अर्गा ब्रांड हमारे CDO मैडम गोंडा ने दिया है, उसी में जो है बिक रहा है जी जी। और देखिए ये बच्चों के लिए जो स्मरण शक्ति होती है, भूल जाते हैं बच्चे, युवा महिलाएं जो भी हैं, उनका स्मरण शक्ति मतलब याद करने की क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, और बहुत जल्दी डेवलप होता है। इसको हम चाहेंगे कि जो विद्यार्थी हैं उनके यहाँ ये जरूर हो, और सभी के यहाँ होना चाहिए, और इसको आप गमले में लगा भी सकते हैं जी जी जी। और बहुत जल्दी से यह ग्रोथ करता है। अच्छा, इसमें किसी तरीके के खाद उर्वरक के प्रबंधन की जरूरत पड़ती है? इसमें कोई खाद के नहीं, ये अपने आप जो है उगाता है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ तुलसी की एक खास वैरायटी उगी हुई है, और ये जो तुलसी है पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत छोटे पौधे थे, लेकिन इस बार का जो मैं देख रहा हूँ उसका ग्रोथ, इसका सुगंध कुछ अलग हट करके है, तो कौन सी वैरायटी है और आसमन का क्या तरीका अपनाते हैं? ये सीमैप की सिमसिसिर वैरायटी है, और ये हमारे मिट्टी में बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सफल हो गई है जी जी। और इसका हम आसमन करते हैं, हमारे पास मशीन है मल्टी प्रोसेसिंग मशीन, जिसको हम दामला कम्बोज क्या नाम है धर्मवीर कम्बोज से मंगाया था, तो उसी से हम अर्क निकालते हैं। और उस अर्क का खूबी यह है कि जिनको गैस है या सरदर्द है उसका सेवन करते हैं तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा है जी जी। और दूसरा, जब इसका हम पंचांग बनवा देते हैं हाँ हाँ। जैसे जब ज़्यादा हमारे यहाँ पैदा है, आधा एकड़ हमने उधर लगा रखा है हाँ। तो इसको हम काट के और चारा मशीन में बलाई करते हैं, उसके बाद में मशीन में हम ड्रायर में सुखाते हैं, सुखा के जो है पैक करते हैं, और पैक करके जो है जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनको हम बताते हैं, वो मतलब अच्छा लगता है, फिर रिपीट होते हैं, और सोशल मीडिया पर हम डालते भी हैं। अच्छा, तो ऐसे मतलब मार्केट धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। अच्छा, औषधीय पौधों के ही क्रम में बात करें, अभी तो आपने कहा प्रोसेसिंग करते हैं, काटते हैं हाँ। तो इस पौधे का, ये तुलसी की जो वैरायटी है, कितने भाग की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है? जड़ से किया जाता है, पत्तियों का किया जाता है, कैसा क्या प्रोसेस किया जाता है? जब इसको हम पंचांग बनाते हैं जी जी। तो इसको हम जड़ से काट लेते हैं जी जी। और अगर हमको क्या नाम है अर्घ निकालना है तो जड़ वाला भाग जो जहाँ से पत्ती है यहाँ से हम अच्छा समझिए यहाँ से हम काटते हैं और इसको काट के जो है मशीन में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिसे कई बार क्या होता है कि पत्तियों की कटाई करने के बाद नए कल्ले निकला पत्ते हाँ हाँ, तो क्या तुलसी के इस पौधे को फिर से रोपना पड़ता है या इसी से अगली फसल भी आप लेते हैं? इसी से चलते हैं, एक बार लगाइए तो हमारे ख्याल 1-1.5 साल ये चलता है जी जी। और इसका नाम है सिमसिसिर, मतलब ये ठंडी में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है जी जी। आम तुलसी जो है
वो ठंडी में सूख जाती है, लेकिन इस पर पाला का कोई असर नहीं है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो है बीज नहीं होते हैं, ये कटिंग से लगती है। जी जी। और हमने एक पौधे से जो है आधा एकड़ लगा दिया जो है। अच्छा अच्छा। और इसको हम बच्चों को देते हैं लगाने के लिए। जी जी। और जो लगाए हैं वो अब धार्मिक लोग भी ले जाते हैं, मतलब पूजा पाठ के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। आपके यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हैं, हम चाहेंगे उसको भी दिखाएं जो औषधीय पौधे हैं। जैसे अभी बात करें, देखिए सर्पगंधा, मतलब ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह है सर्पगंधा का पौधा। तो जिनको मतलब नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती है, तमाम ऐसे लोग जो हैं उनको नींद नहीं आती है, जी जी। तो इसका हम जो जड़ का पाउडर बनाते हैं, तो वो पाउडर जो है इस्तेमाल करेंगे तो मतलब उनको नींद आएगी, बढ़िया से जो है रहेंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने सुगंधित पौधों की श्रेणी में एक जैसे मूज होता है, सरपत होता है या कास होता है, जी, उस तरह का एक पौधा दिख रहा है। इसको कौन सा पौधा है? और मैंने अभी आते समय इसके पत्तियों को सूंघा था, तो इसमें एक बहुत अच्छी खूबसूरत खूब सुगंध आ रही थी, जिससे मतलब दिल दिमाग तरोताजा होता रहता है। क्या है ये? ज्वरांकुश है, जिसको जराकुश गांव की भाषा में बोलते हैं। जी जी। और ये देखिए कितना बढ़िया सफल है। जिनको जुखाम है, खांसी है और बुखार है, जी जी, तो उसमें ये जब चाय आप पीते हैं तो इसका आप पत्तियों को उसमें डाल दीजिए तो उसका अर्क आ जाता है। हाँ। तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी जी। ये हमारे प्राचीन परंपरा में लोग घरों में जराकुश लगाया करते थे। तो अब इसको हम एक पंचांग बनाते हैं, तो सिमसिसिर तुलसी और ये मतलब दोनों बाल के सुखा के पैक कर देते हैं, तो इसका बड़ा डिमांड है। अच्छा, इसका तेल निकालने का काम नहीं करते हैं? अभी तेल नहीं निकाल रहे, मतलब उसी से। जी, और जी। कौन कौन सी किस्में आपने औषधीय पौधों की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें और आपने रोप रखी हैं? हमने जो है इधर क्या नाम है सतावर लगाया हुआ है, आज देख सकते हैं। जी जी। और उसमें फूल भी आए हुए हैं। सर, औषधीय पौधों की हम बात कर रहे हैं तो एक कौन सा पौधा है और कैसे लोगों के सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है? ये सतावर का पौधा है, पीली सतावर का पौधा है। जी जी। और ये जड़ में होता है। हाँ। और कंद बनते हैं। हाँ, कंद वर्गीय में आता है। जी जी। और ये माताओं बहनों के लिए बड़ा ही मुफीद है। इसकी जड़ का जो है हम क्या नाम है जूस बनाते हैं। जी जी। और जूस जो है जिन माताओं बहनों को दूध नहीं उतरता है बच्चे होने पर, उनको दिया जाता है। मेरे पिताजी वैद्य थे, उसी परंपरा में हम भी इसको काम कर रहे हैं। और दूसरा, इसका अचार भी बनता है। जी जी। इसका सुखा के पाउडर भी बनता है। तो पाउडर हम पुरुषों के लिए और माताओं बहनों के लिए सबके लिए लाभकारी है। कुल मिला के ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। और इसकी खेती अब हमारे यहाँ भी और तमाम किसान हैं इस व्यापक रूप में कर अच्छा, रहे हैं। अच्छा, ये पौधे से कितने किलो कंद मिल जाता है? ये पौधा कम से कम 5 से 6 किलो पौधा इसमें कंद निकल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया इसका ग्रोथ होता है 18 महीने में। अच्छा, 18 महीने। हाँ, देखिए इसमें जो फूल आ गए हैं। जी जी। ये फूल इतना खुशबू वाले हैं कि क्या बताएं, धीरे धीरे पूरा ऐसा भर जाएगा। इसका तो, बीज भी बहुत अच्छे रेट पर बिकता है। हाँ, बीज भी अच्छे रेट पर बिकता है। जी जी। हाँ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है कॉस्मेटिक्स में या पेट की बीमारियों के लिए, स्किन की बीमारियों के लिए, वो है एलोवेरा। उधर भी आपने बहुत सारा रूप रखा है और जहाँ भी खाली जमीन में देख पा रहा हूँ हर जगह एलोवेरा दिख रहा है आपके खेत में। जी जी। तो एलोवेरा की कौन सी वैरायटी है और इसका किस तरह से प्रोसेस करते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग करते हैं? ये भैया एलोवेरा है और इसका हम अपने यहाँ एलोवेरा का जूस निकालते हैं। हाँ। जल बनाते हैं और साबुन बनाते हैं। जी जी। इसके लिए हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग मशीन है। जी जी। पहले हम मैनुअल करते थे लेकिन उसमें वो हो नहीं पाता था। हाँ। तो हम मशीन लाए, उसी में जो है इसका पत्ती को हम काटते हैं चाकू से, फिर धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद में उसको हम गोदा निकालते हैं। गोदा निकालने के बाद में उसको जो है मशीन में डालते हैं और जब क्रश हो जाता है तो उसको हम उबालने के बाद में फिर पैक करते हैं और फिर जो है बिक्री करते हैं। अच्छा, हाइजीन की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें तो कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? किसका साफ सफाई की बात करें, जैसे लोग ग्लव्स पहनते हैं माथे हाँ। तो किस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है, चूँकि खाने पीने चीज़ों के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी होता है निर्माण में, तो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं उसके लिए? हमारे यहाँ जो समूह की महिलाएं हैं हाँ। वो काम करती हैं, सभी ग्लव्स पहनती हैं, वो सर पर लगा लेती हैं और
हेयर कैप लगाती हैं और इसको टंकी में बढ़िया पानी रहता है शुद्ध, उसमें धुलाई होता है, धुलाई करने के बाद में सारी इसमें जो गंदगी है निकल जाती है, फिर चाकू से उसको छिलाई होती है, गूदा निकलता है, उसको हम बाल्टी में मतलब मशीन में डालते हैं और वो क्रश करती है, क्रश करने के बाद में उसको हम बॉटलिंग करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और जो है बिक्री करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मतलब आपके औषधि पौधों का, बहुत सारे औषधि हाँ, पौधे हैं वो उन पर। और इसका जो है हम एलोवेरा जेल भी बनाते हैं। जी जी, तो इसका जो गूदे का तो वो बन गया, क्या नाम है, जूस बन गया, और जो इसके ऊपर का छिलका ये होता है ये भी काम आता है, मतलब ये बेस्ट नहीं है। इसको हम अर्क निकाल लेते हैं और अर्क निकालने के बाद में जब हम साबुन बनाते हैं उसमें एलोवेरा का अर्क पड़ता है, गुलाब का अर्क पड़ता है, तुलसी का, मतलब जितना डालते हैं उतना खुशबूदार हो जाता है और दूसरा मतलब शरीर के लाभदायक होता है। अच्छा। जो भी ले गए हैं एलोवेरा जेल और साबुन वो रिपीट होते हैं। अच्छा। और हम अपना सामान कोरियर के द्वारा और डाक विभाग द्वारा भी हम भेजते हैं, लोग ले रहे हैं। ये तो बात हो गई एलोवेरा की जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, जैसे FSSAI की लाइसेंस की जरूरत हो, GST, तो कौन कौन से लाइसेंस अभी आपने ले रखे हैं या लेने वाले हैं? जी जी, हमारे पास जो है हमारे ज़िले की जो CDO मैडम हैं इन्होंने अर्गा ब्रांड चालू किया है। अर्गा ब्रांड क्या है? अर्गा है हमारे ब्लॉक में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है जी, जी। जो बर्ड सेंचुरी है हाँ। उसी के नाम पर अर्गा मैडम ने किया है और 16 जून 2023 को उसका उद्घाटन गोंडा में हुआ था जी, जी। तो जहाँ पर जो समूह की महिलाएं हैं गोंडा में SHG की, जो उत्पाद गांव की बना रही हैं, उनको मार्केट कोई नहीं मिल पा रहा था हाँ। तो उन्होंने एक प्लेटफार्म देने का काम किया है, तो ये सारे उत्पाद रिलायंस मार्ट में, चौपाल सागर में और क्या नाम है विकास भवन गोंडा के Gate No. 2 पर अर्गा शक्ति कैफे खुला है हाँ। वहाँ रखा जाता है, लड़के हैं और बिकता है, हम लोगों को बिकने के बाद पैसा मिल जाता है उसका। अच्छा, मार्केटिंग की कोई मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपने औषधि भी वो कर लिया, बागवानी भी कर लिया और सब्जियों की भी खेती कर रखी है, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के बारे में भी जानेंगे। तो मैं अभी गोंडा जनपद में हूँ, गोंडा जनपद के एक प्रगतिशील किसान हैं जो शिव कुमार मौर्य जी के नाम से जाने जाते हैं, चर्चित भी हैं और जिला प्रशासन भी इनको इसी नाम से पूरे देश में मौका उपलब्ध कराता है दूसरे किसानों को अपने अनुभवों के आदान प्रदान के लिए। अभी मैं इनके साथ हूं और मैं जिस खेत में खड़ा हूं ये मोरिंगा की फसल यहां पर रोपी गई है, इसकी कटिंग की गई है और आप देख सकते हैं सैकड़ों पौधे यहां पर दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग किसान भाई लगाते हैं अपने यहाँ एक दो पौधे लगाते हैं इसकी फलियों के लिए, लेकिन किसी के खेत में अगर सैकड़ों की संख्या में मोरिंगा का पौधा देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर एक कॉमर्शियल पर्पस से ही इसकी खेती की गई होगी। और अभी अगस्त का महीना है, अगस्त महीने में आमतौर पर जो मोरिंगा है, जो सहजन है, उसके पौधे में फलत नहीं देखने को मिलता है, फूल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी जो ये किस्म है इस किस्म में फूल भी आ रहा है, कलियां भी बन रही हैं, इसका मतलब इसमें फलियां भी आने वाली हैं, जबकि आमतौर पर मार्च अप्रैल महीने में मार्च अप्रैल तक इसकी फलियाँ मिलती हैं और बहुत महंगे रेट पर मिलती हैं, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है जो वैज्ञानिक हैं कृषि वैज्ञानिक कि इसमें लगभग 300 बीमारियों को कंट्रोल करने की कुवत होती है, इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो जो मौर्या जी हैं सुकुमार जी, इनसे जानते हैं कि क्या पर्पज़ है जो इतना सारा आपने पौधा लगा रखा है और कटिंग क्यों कर रखी है? सर बहुत सारे पौधे देख रहे हैं और कटिंग भी आपने कर रखी है, तो किस उद्देश्य से इतना सारा लगाया? जी जी, ये भैया बहुत ही लाभकारी पौधा है सहजन और ये 300 से अधिक रोगों में काम आता है जी। हमने इसको जब पढ़ा और देखा जाना कि इसके ये न्यूट्रिशनल डायनामाइट है, तब हमने इसको बीज लाके इसको मतलब लगाया, नर्सरी डाला हाँ, और करीब 500 से अधिक पौधे इस खेत में लगे हुए हैं। कौन सी वैरायटी है ये? PK1 वैरायटी की है। अच्छा। और बारहमासी? जी नहीं, साल में 2 बार इसमें फूल फलाते हैं हाँ। जी, और बहुत बढ़िया फलाते हैं और इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, इसका पत्ती फूल फली जड़ सारा कुछ ये लाभकारी है जी, जी। और इसमें गोंद भी होता है हाँ। तो गोंद का लाभ ऐसे लोगों के लिए जो कमर दर्द है या कहीं का भी दर्द है, इसका सेवन करते हैं तो उनका दर्द खत्म हो जाता है जी जी। तो आप पत्तियों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, ये पत्तियाँ कैसे आप क्या कैसे इसको तैयार करते हैं क्या? जी, इस पत्तियों को ऐसे पेड़ से हम तोड़ते हैं जी जी, डालियाँ काट के और हाँ। इसको हम पानी में धुलाई करते हैं, साफ सफाई हाइजीन के उससे हाँ। और जब धुलाई करने के बाद में इसको हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन है जी जी, उसको हम जो है उसी प्लेट में इसको हम ऐसे डाल देते हैं हाँ।
और डालने के बाद 5 से 6 घंटे में उसमें सूख जाता है। अच्छा। और इसका जो है पत्तियां हरी ही बनी रहती मतलब है, जो क्वालिटी यहाँ क्वालिटी मेंटेन है वही उसमें रहेंगे, केवल उसका मतलब पानी निकल जाएगा। जी जी। और जो है फिर उसको हम पिसाई मशीन में पीसते हैं, पीसने के बाद में उसको हम डिब्बे में पैक करते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम, और उसको हम पैक करने के बाद में अर्गा ब्रांड के तहत हम बेचते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोई क्रय करना चाहे तो कैसे करे? ऑनलाइन अगर किसी को चाहिए तो अपना एड्रेस पता हमको व्हाट्सएप कर दे और पैसा भेज दे, उसके बाद में हम डाक से और या कोरियर के माध्यम से, अगर लिक्विड वाले सामान है वो कोरियर से जाते हैं और जो गैर लिक्विड वाले होते हैं वो डाक से चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना है, पीकेन जो वैरायटी है, क्योंकि माना जाता है कि साल में 2 बार फल देती है, कई कई 3-3 बार भी फल आ जाता है जैसा इसको पोषण मिलता है पौधे को जी। तो अगर कोई किसान भाई इस पौधे को रोपना चाहता है तो इसकी कटिंग या इसके पौधे कैसे क्रय करें, क्या आपके पास पौधे उपलब्ध हैं? जी, हमारे यहाँ इस समय नर्सरी में इसके पौधे उपलब्ध हैं जी, और हम चाहेंगे कि प्रत्येक घर में इसका 1-2 पौधा जरूर लगे। जी जी। ये इतना सरकार भी प्रमोट कर रही है, सरकार भी प्रमोट कर रही है। तभी हम पौधों की उपलब्धता की बात कर रहे थे, तो कैसे पौधे लोग क्रय करें? जिन साथियों को चाहिए वो हमारी नर्सरी में उपलब्ध है। हाँ। वो हमारे यहाँ आके ले सकते हैं, 1 पौधे का दाम 20 रुपये हमने निर्धारित किया। अच्छा, बहुत कॉमन रेट भी है, बहुत महंगा नहीं है। बहुत सारे नर्सरी वाले तो जरूरतमंद समझ करके ज़्यादा पैसा। हाँ, नहीं नहीं, हमारे मतलब हमारा किसान भाई या जो हमारे यहाँ मतलब इसको लगाने वाले हैं उनको नॉमिनल चार्ज पर हम दे रहे हैं कि वो लगाएँ, और जब उनके यहाँ खाना बने दाल सब्जी जो भी है तो इसकी पत्तियों को ऐसे तोड़ के धुलिए और इसको जो है ऐसे डाल दीजिए। जी जी, एक तरीका ये है। दूसरा, इसकी पत्तियों को आप छाया में या धूप में सुखाइए, अगर आपके पास कोई मशीनें नहीं हैं उसके लिए मैनुअल हम बता रहे हैं, तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं छाया में भी। हाँ। तो उसको फिर ग्राइंडिंग मशीन में पिसाई करके जी जी आप डिब्बे में रख लीजिए, और जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं जब आटा गूंथती हैं 1 चम्मच डाल दीजिए, उसी में गूंथ जाए तो पूरे फैमिली को इसका तत्व मिल जाएगा। जी जी। या दाल बनाती हैं उसमें डाल दीजिए, चाय बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, तो आजकल जो तमाम आम बीमारियां हो रही हैं, कोई बच्चा हो बूढ़ा हो युवा हो सब लोग बीमार हैं। कौन कौन सी खास बीमारियां अगर बात कर लें तो कुछ गिनी चुनी बीमारियों का नाम अगर बताना चाहिए तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इस कंट्रोल करता है या बढ़ने नहीं देता है? जी, आजकल लोगों को शुगर बहुत हो रहा है। हाँ। तो शुगर में जो भी ले गए हैं वो उनका शुगर ठीक हो गया है, कंट्रोल हो गया, और आज वो मिठाई कलाकंद खा रहे हैं। ये बात है, जो मिठाई के नाम से डरते थे तो मीठा खा रहे हैं, और जिनको थायराइड है, मोटापा है, गैस बनता है, मतलब दुनिया की जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं सब में ये काम आता है, ये न्यूट्रिशनल डायनामाइट है। जी जी। और माताओं बहनों के लिए, गर्भवती माताएं हैं, जो हमारी किशोरियां हैं, कि युवा हैं, सब के लिए मतलब ये बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि वो मशीन दिखाएं जिसमें ड्रायर से आप तैयार करते हैं, कैसे तकनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमी हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। जी। तो जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो सुखाने की प्रक्रिया है, जो कितना बिजली लेता है वो मशीन, कैसे काम करता है, वो भी लोग जानना चाहेंगे, उनकी दिलचस्पी होगी। लेकिन उसके पहले चलते चलते एक बार मैं चाहूँगा वो फ़ोन नंबर साझा कर दें जिससे लोग आपसे सीधे पौधा क्रय कर पाएँ। जी जी, हमारा नंबर है 9554-90-27-15। अच्छा, एक बार और रिपीट, 9554-90-27-15। बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी आपने जो पगिया लगा रखी है मोरिंगा की, आप खेती कर रखी है, उसमें बताया कि आप मोरिंगा की पत्तियों को सुखाने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपने ड्रायर रखा है जो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो ये ड्रायर कैसे काम करता है और कैसे पत्तियां सूखती हैं वो पूरी प्रक्रिया बताएं जिससे दूसरे किसान भाई इसको सीख पाए, और जो प्रोडक्ट को क्रय करना चाहते हैं वो भी आपका जो प्रोडक्ट है कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में जान पाए। जी, हम अपने सहजन के पेड़ से पत्तियों को जब तोड़ के लाते हैं धुलाई करके, तो ये ड्रायर मशीन है, और इसी में हम देखिए पूरा प्लेट हम निकाल रहे हैं, ये पत्तियाँ सूख चुकी हैं, और आप देख रहे होंगे ये बारिश का मौसम है और ये पूरा एकदम करकर है। अच्छा, हाँ। तो ये जो प्लेट है, प्लेट हीट होती है या मशीन गर्म हवाएं फेंकती है? ये मशीन में पंखे लगे हैं, ये गर्म हवाएं फेंकती है। हाँ। उसी हवाओं से ये जो है पत्तियाँ 5 से 6 घंटे में सूख जाती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और। हाँ। ये इसको ऐसे ऐसे आप झरझाएंगे, देखिए ऐसे हाथ से, तो सारी पत्तियाँ देखिए गिर गई हैं जो है। हाँ, ऐसे ही पिस जा रही हैं। हाँ, ऐसे ही पिस गई हैं।
अच्छा एक चीज और ऐसे जानना चाहूंगा जी। कि जैसे जो पत्ती पत्ते की मूल क्वालिटी होती है, उसका हरापन होता है, हाँ उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है इस मशीन में सुखाने के बाद? उसमें भैया इसमें बड़ा ही अच्छा है, मतलब जैसे पत्ते रे देखिए कितना हरापन बना हुआ है और इसका कंटेंट ख़त्म नहीं हुआ है, और इस पर पहली बात धूल गर्दे कोई नहीं आते। जी जी। ये मशीन मतलब बंद हो जाती है। देखिए इसमें 15 प्लेट लगे हैं जी जी। और इसको डाल करके हम ऐसे बंद कर देते हैं ये, फिर हम यहाँ से बटन ऑन कर देते हैं जी जी। आज इस समय अभी लाइट है नहीं जी जी। तो जब ऑन हो जाता है तो इसमें जो है मीटर लगा है। अच्छा मान लीजिए पत्तियाँ सूख गई, उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है? पत्ती सूखने के बाद में हमारे यहाँ पिसाई वाली मशीन इधर रखी है। कमाई की तो, अगर बात करें तो साल की कितनी आमदनी हो जाती है, और जो पौधे जो फसलें आपके दिमाग में आ रहा है, कौन कौन सी फसलें रोप करके आप आमदनी प्राप्त कर पा रहे हैं? हम अपने यहाँ जैव विविधता की आपने देखा ही तमाम फसलें हैं, और अब हम जो प्रमोट कर रहे हैं औषधीय में तुलसी है, और सब्जी में परवल है, कुंदरू है, और एलोवेरा है, पपीता है, और सहजन है। इन सब चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा हम नर्सरी भी लगाए हैं, नर्सरी से भी इनकम होता है, और जो औषधीय हैं मतलब उसकी भी नर्सरी देते हैं, और प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो कुल मिला के सारी प्रोसेसिंग, नर्सरी और सब्जी औषधि मिला के 6 से 7 लाख रुपए मानकर चलिए साल का इनकम हो जाता है। अगर आप खेती नहीं कर रहे होते, दूसरा काम कर रहे होते, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो पहचान हो, कैसी होती? जी इसके पहले हम गवर्नमेंट नौकरी में थे, उसको हम छोड़ के इस क्षेत्र में आए जो मेरे पिताजी कर रहे थे, तो इसमें हमको बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। उसमें तमाम दबाव प्रेशर रहते थे, आज जाना है और ये करना है वो करना है। कौन से विभाग में काम कर रहे थे? हम NSSO में थे, भारत सरकार का विभाग है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसमें इन्वेस्टिगेटर थे, और उसके पहले मैं लेबर ब्यूरो में भी इन्वेस्टिगेटर था। तो सब कुछ छोड़ करके इसमें आ गए और पूरी तन्मयता से लगे हैं, और हमारे बागवानी देखने दूर दूर के लोग, जिला प्रशासन के किसान बंधु और छात्र आते हैं, यूनिवर्सिटियों के, डिग्री कॉलेजों के, तो बड़ा अच्छा लगता है अपना अनुभव साझा करना। ये हम उसमें नहीं कर पाते, और मतलब इसमें हम अपने मन के मालिक हैं, और हमको कमाई भी हो रही है। कितनी कमाई हो रही है फिर से एक बार चाहेंगे? जी 6 से 7 लाख साल का हो जाता है। हाँ और जो पहचान बन पाई है क्या जी? सरकारी नौकरी में रह पाते वो बन पाती है? नहीं नहीं वो नहीं बन पाती, क्योंकि हम अपने अधिकारियों को डरते हैं। अब आज हमको कोई डर नहीं, चाहे हम कलेक्टर से मिले, कप्तान से मिले, या डायरेक्टर से मिले, या PM से मिले, कोई डर नहीं है। अपनी बात हम धड़ल्ले से रखते हैं और सभी लोग सम्मान देते हैं, तो ये नहीं हो पाता। क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या पुरस्कार मिले, कौन सी कमेटियों में आप हैं? हमको टमाटर पर प्रथम पुरस्कार मिला उद्यान विभाग गोंडा से 2017 में, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान 2021 में नेपाल में मिला, तुलसी पीपल नीम अभियान के तहत। और क्या नाम है, जो उद्यान निदेशालय है UP का, उसमें हमको बीज कमेटी में किसान प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि दंपतियों की बात करें तो पति पत्नी मिलकर के सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, तो इसमें आपके पत्नी का कितना योगदान है इस सफलता में? जी इसमें उनका बड़ा योगदान है, हमारी मैडम का और पूरे परिवार का, बड़े भैया का और सबका, कुल मिला के ये टीम वर्क है। जब सभी लोग काम करते हैं, जैसे एक क्या बोलते हैं नौटंकी नाच होती है, उसमें सबका अपना अपना होता है, वैसे ये हर चीज़ का काम बटा हुआ है, तो बहुत तारतम्यता होती है, तो बड़ा मज़ा आता है और सुकून भी होता है। तो कुल मिला के पूरा परिवार के साथ जॉइंट फैमिली है, अच्छा काम हो रहा है, और इसमें करीब 3-4 लोगों को हमने काम भी दिया हुआ है, और बहुत बढ़िया चल रहा है।